कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, जिंदगी के तीन निशान। मुसलमान जिंदगी के तीन निशान, जिंदगी के तीन कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान सीखो, जिंदगी के तीन निशान, जिंदगी के तीन निशान, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान सीखो, जिंदगी के तीन निशान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जाहिद और अभी हम आए हैं राइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन शांगस से, जो कि एक मशहूर इदारा है शांगस इलाके का। और एक इनिशिएटिव हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे स्टाफ ने लिया कि हम पब्लिक में जो है ना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें होली कुरान बुक्स की। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे घरों में चार पांच होली बुक होती है कुरान शरीफ की, लेकिन हम खासकर पढ़ते एक ही कुरान को है। तो जो चार हमारे घर में बच्चे होते हैं, चार किताबें, तो वो ऐसी ही पढ़ी रहती हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। तो उन्हीं चार किताबों को जो हमारे स्टूडेंट्स ने अपने घरों से एक एक होली कुरान लाया है, और वो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते एक कुरान बुक खरीदना, या जिनके घर में अभी तक कुरान शरीफ नहीं है। और जो सबसे बड़ी मैसेज ये है वो यही है कि जो पब्लिक है उसको। मेरा नाम सईद उदैर है और मैं राइजिंग नेटवर्क से ताल्लुक रखता हूँ। और आज जो हमने ये रैली निकाली है कि पढ़ो कुरान और सिखाओ कुरान, सीखो कुरान और सिखाओ कुरान, इसका ये एक यही मोटिव है कि हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, और हमारे घरों में बहुत सारे कुरान ऐसे ही पढ़े रहते हैं। तो इसका सिर्फ यही मोटिव है कि हमारे दिलों में कुरान का मोहब्बत पैदा हो और हम अच्छे मुसलमान बने, तो हम उसी से हम मतलब कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। आज हमने ये रैली निकाली है राइज सर्टिफिकेशन शांगे से है, और हमारा मोटिव और मकसद ये है कि जो भी लोग हैं उनके घर में बहुत सारे कुरान ऐसे ही पढ़े रहते हैं, वो उनको पढ़ते नहीं है। तो हमारा इस रैली से यही मोटिव है कि सभी जो घर में सभी भी जो होते हैं मेम्बर्स होते हैं वो सभी कुरान पढ़े और हर दिन रोज़ाना सुबह कुरान की तलावत। ये हमने बाकी किताबों को ज़्यादातर सीखी है, तो कुरान अगर हम सीखेंगे, कुरान पढ़ेंगे और कुरान पर अगर हम अमल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी दुनिया जो है और हमारी आखिरत जो है वो संवर जाएगी। तो इसी इनिशिएटिव को मद्देनजर रखते हुए आज हम यहाँ पे आए हैं और हमने कुरान यहाँ पे लाया है, और ये कुरान जो है यहाँ पे जो सोनी स्टैंड है, यहाँ के ड्राइवर हजरात जो है इनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ के जो दुकानदार है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आम लोग जो यहाँ पे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि जो कुरान जो सबसे अजीम किताब थी उसको हमने बुलाया है। और फिर से हमें चाहिए कि हम इस कुरान को पढ़ें और अपने बच्चों